हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनवा वाले हैं, जो कि करंट में कल ही हुआ है बात। वहाँ पे किस तरह से जो है उन लोगों का बर्ताव है, लोगों के ज्वाइनिंग करने के संबंध में किस तरह से बात हुआ है, पहले वो चीज़ सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसके बाद आगे के टॉपिक को चर्चा करूँगा। तो चलिए सुनते हैं उस चीज़ को। रिजल्ट के बारे में नंबर नोट करें, नंबर बता दें। मालूम चलेगा रिजल्ट का नंबर, एक साल हो गया रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या बर्बाद करने पर लगे हो देश को, नौजवानों को, युवा को रोजगार कैसे मिलेगा? आप नंबर नोट करिए, उनसे बात करिए। हमको ये बताइए, आप SSC के हैं या नहीं है? इस बारे में हमें पता नहीं है। के है या नहीं है, आपको क्यों बैठाया गया SSC में? SSC हमारा जो है ये नहीं देखता, रिजल्ट नहीं देखता। कौन देगा? अब आंदोलन करेंगे, समझ लीजिए। आप कुछ भी करें, आप जो करें वो करना। कब आएगा एक डेट होता है कि 2 साल बाद, 2024 के बाद, 2025 के बाद, पर जो रिजल्ट देखते ना उनसे बात करें। कितना दिन, 1 साल कम हुआ तुम्हारे लिए? तो भाई यूपीएससी का रिजल्ट आया कि नहीं आया? देखो ऐसे नाराज होने से, यूपीएससी का रिजल्ट आया कि नहीं आया? कौन से बात करिए, इस बारे में बता। मामला ये बच चुका है, अब ये हर बार की लड़ाई होगी, 2-2.5 की लड़ाई होगी, अब बता रहे हैं हम, समझ रहे हो ना? बैठ के साले खाली कुर्सी तोड़ोगे, तुम कुर्सी तोड़ोगे तुम, वहाँ पे रिजल्ट तुमसे नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे कब आएगा रिजल्ट? रिजल्ट चाहिए, एक कैलेंडर जारी करो कि कब रिजल्ट दोगे तुम। रिजल्ट नहीं दे रहा, मजाक बना दिया, 1 साल हो गया रिजल्ट का कुछ पते पता नहीं है। कोरोना तुम्हारे लिए ही है, सब चीज आगे बढ़ रहा, तुम कोरोना में बैठ गया है एकदम सुखे। ऑफिस क्यों खोला हुआ, जब वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे आएगा, एकदम रट लिए हो एक तोता की तरह कि वेबसाइट पे देखो, सबको समझ में आता वेबसाइट क्या है तुम्हारा। डिजिटल इंडिया में भी 100 साल पीछे है तुम, अपडेट करो नहीं तो आगे निकल जाएगा। दूसरा बात यहाँ पे सामने ये निकल के आ रहा है कि तो एडमिट कार्ड जो जारी किया जा रहा है DME का, ठीक है, उसके डेट काफ़ी चेंज हो जा रहे हैं, तो कई लोग परेशान हैं। तो आप कृपया करके बड़ी केयर से देखिए, वरना आपका DME मिस हो गया, अगर ये चीज़ मिस हो गया तो फिर ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अभी जो मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया, ठीक है, उस कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद से आपको पता चल ही गया होगा किस तरह से जो है रवैया है ना, यहाँ पे लोगों के समक्ष लोग चाहते हैं कि वो देश में जाएं, जल्द से जल्द जो भर्ती हो, देश की सेवा करें, लेकिन फिर भी जो है उनकी उस पोस्ट तक पहुँचने के पहले इस तरह से कठिनाइयाँ आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो है यहाँ पे कंडीशन चल रहा है, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ अगर उन बड़े बड़े लोगों तक पहुँच रही है, तो कृपया करके आप लोग जल्द से जल्द जो है इस भर्ती पर लोगों को ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दें, क्योंकि काफ़ी साल बीत चुके हैं और लोग मेहनत काफ़ी ज़्यादा किए हैं फौज में भर्ती होने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि उनकी इस मेहनत को, ठीक है, उनकी इस जो है एक जोश को कभी भी जो है गिराए नहीं, उनके जल्द से जल्द जो उनको ज्वाइनिंग दें।